मोबाइल चलाना पड़ सकता है महंगा, जानिए कैसे क्या करें बचत के लिए। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो सहित एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने पिछले एक साल में अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए थे। 2020 में टैरिफ रेट बढ़ाने का मुद्दा भी कई बार उठ चुका है, जबकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिसंबर में तीनों कंपनियां अपने टैरिफ रेट बढ़ा सकती हैं। इस बीच वोडाफोन आइडिया ने अपने दो पोस्टपेड प्लान के रेट बढ़ा दिए हैं। वोडाफोन आइडिया ने 598 रुपए और 749 रुपए वाले पोस्टपेड प्लान की कीमतें 50 रुपए बढ़ाई हैं, जिससे ये प्लान अब 649 रुपए और 799 रुपए के मिलेंगे। वोडाफोन आइडिया के इस कदम को टैरिफ में बढ़ोतरी का बड़ा संकेत माना जा रहा है। अगर आप बढ़े हुए रेट से बचना चाहते हैं तो इसका एक तरीका कि पहले ही लंबी अवधि वाला रिचार्ज करा लें, या हम आपको जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के एक साल की अवधि वाले बेस्ट प्लान की जानकारी देंगे। चलिए जानते हैं कौन कौन से प्लान बेस्ट हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के पास लंबी अवधि वाले कई प्लान मौजूद हैं। इनमें 2599 रुपए वाला रिचार्ज प्लान बेस्ट माना जा रहा है। 2599 रुपए वाला प्लान की वैलिडिटी एक साल की है। यदि आप एक साल के रिचार्ज मुक्त होना चाहते हैं तो आप एक साल के इस प्लान का लाभ उठा सकते हैं। इस प्लान में आपको रोज 2 GB डेटा और 100 फ्री SMS मिलेंगे, साथ ही 10 GB बोनस डेटा भी दिया जाएगा। आपको जियो से जियो अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ जियो से अन्य नेटवर्क्स पर कॉलिंग के लिए कुल 12,000 फ्री मिनट्स मिलेंगे। आपको जियो एप्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का पूरा एक साल फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। एयरटेल। एयरटेल के पास इस कैटेगरी में 2698 रुपए वाला बेस्ट प्लान है। इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन की है, यानी कि पूरे एक साल की। आपको पूरे एक साल तक रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग बेनिफिट और रोज 100 फ्री SMS भी मिलेंगे। जियो की तरह एयरटेल भी इस प्लान में एक साल का डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ्री सब्सक्रिप्शन देता है। आपको एयरटेल थैंक्स बेनिफिट भी मिलेंगे। VI का एक साल वाला प्लान 2595 रुपए का है। VI भी रोज 2 GB डेटा ऑफर करती है, साथ ही ग्राहकों को इस प्लान में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग बेनिफिट और रोज 100 फ्री SMS मिलेंगे। ये तो हुए बेसिक बेनिफिट। इनके अलावा आपको G5 प्रीमियम और VI मूवीज एंड TV का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और वो भी पूरे एक साल के लिए। BSNL। यदि आप इस प्राइवेट कंपनियों के अलावा सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के सबसे बढ़िया लंबी अवधि वाला प्लान की बात करें तो BSNL का 1999 रुपए वाला प्लान 425 दिनों तक चलता है। इसका मतलब है कि आपको कम दाम में बाकी कंपनीज के मुकाबले ज्यादा लंबी वैलिडिटी मिलेगी। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग बेनिफिट देती है, जिसकी लिमिट प्रतिदिन 250 मिनट है। साथ ही रोजाना 3 GB डेटा और 100 फ्री SMS भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, आपको इरोस नाउ और लोकधुन का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। 425 किलो वाला जम्बो से होगा पूरी बारात के लिए खाना तैयार। खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर आज के समय में बेहद आवश्यक चीज है। LPG की खपत पिछले कई सालों से बढ़ती जा रही है, साथ ही इसका दाम भी। बड़े परिवारों में तो एक गैस की खपत और अधिक होती है। ऐसे में एक सिलेंडर पूरा महीना चलाना बेहद मुश्किल टास्क होता है। बात करें अगर शादियों की या किसी विशेष अवसर की, तो कई सिलेंडर्स चाहिए होते हैं। इतने सिलेंडर्स को इंतजाम करना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। अगर आप भी ऐसी ही समस्या से दो चार हुए हैं तो आगे से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। असल में अब एक स्पेशल जम्बो सिलेंडर मार्केट में आया है। चलिए जानते हैं इस नए सिलेंडर के बारे में। इंडियन ऑयल की खास पेशकश, बड़े अवसरों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कंपनीज इंडियन ऑयल ने जम्बो सिलेंडर की शुरुआत की। इसकी खासियत ये है, ऐसे एक सिलेंडर से ही सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए भोजन पकाया जा सकता है। यानी शादी ब्याह के मौके पर केवल एक जम्बो सिलेंडर ही पूरे बारात और बारातियों के लिए काफी होगा। अगर आपके फंक्शन में कुछ 100 लोग हैं तो एक पूरे सिलेंडर की भी खपत नहीं होगी। सिलेंडर का वजन कितना है? सबसे छोटा सिलेंडर 5 किलो का होता है, वहीं आमतौर पर घरों में 14 किलो वाला सिलेंडर इस्तेमाल होता है। इससे बड़े सिलेंडर्स की बात करें तो 19 और 47.5 किलो के सिलेंडर भी उपलब्ध होते हैं, मगर इंडियन ऑयल की तरफ से पेश किया गया नया जम्बो सिलेंडर पूरे 425 किलो का है। हालांकि इस सिलेंडर की शुरुआत 3 साल पहले ही हो गई थी, पर तब सिर्फ उद्योगों के लिए शुरू किया गया था। अब इसे आम लोगों को भी डिलीवर किया जाएगा। योगी ने की मुलाकात इन हस्तियों से मिशन फिल्म सिटी को लेकर। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए CM योगी आदित्यनाथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 2 दिसंबर को बहुत सी फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में सुभाष गई, बोनी कपूर, राजकुमार संतोषी, सुधीर मिश्रा, रमेश सिप्पी, दिग्विजय धुलिया, मधुर भंडारकर, उमेश शुक्ला, टी सीरीज के प्रमुख भूषण कुमार, पेन स्टूडियो के जयंती लाल गड्डा और निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर सहित कई फिल्म निर्माता शामिल हुए।
इस दौरान यूपी में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूर 1000 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर में नोएडा में फिल्म सिटी स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया था और फिल्म बिरादरी को फिल्म निर्माण के लिए राज्य में आने के लिए खुली पेशकश की थी। बता दें, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते। इस प्रोजेक्ट से बहुत से लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।